गोरखपुर के बाढ़ के मद्देनजर गांव को बचाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने राप्ती नदी को तीन जगहों पर मोड़ दिया है। नदी के मोड़े जाने से जहां एक ओर बंदे की भी समस्या खत्म हो गई है, वहीं दूसरी ओर सरकारी धन का भी नुकसान नहीं होगा। नदी के मोड़े जाने की वजह से गोरखपुर के लगभग 50 से 60 गांव अब पूरी तरह से बाढ़ से सुरक्षित हो जाएंगे। इन गांव में हल्की बरसात में भी बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाया करती थी, जिससे वहां के निवासियों को विस्थापित होना पड़ता था। इस बारे में मीडिया कर्मियों को और अधिक जानकारी देते हुए जिलाधिकारी के विजयन पांडियन ने बताया, जगह इस बार अभी हम लोग लगभग करा चुके हैं उसको, जो नदी का जो धारा है मोड़ने में, उसी पे हम लोग का तो तकरीबन 50 से 60 गांव का जो हमेशा जो कतरा रहता है उससे बचा सकते हैं। खासतौर पे 52 गांव यहां गोरखपुर में हर साल जो लो फ्लडेड स्थिति में भी हल्की बारिश में भी जो वो बाढ़ का स्थिति बन जाता है, उसी गाँव में हम लोग का मेन फोकस है। उसी के हिसाब से शासन के जरिए से 7 प्रपोजल भेजा गया है, उसको 4 मंजूरी हो गया, उस पर 3 का प्रारंभ होकर के अभी ख़त्म होने स्थिति पर है। उसी की वजह क्या है, जो हर बार जो बंदे के ऊपर जो हम लोग करोड़ों पैसा खर्च करते हैं बोल्डर के नाम से, पिचिंग के नाम से, वो बच जाता है। हम लोग 1-2 करोड़ में ही नदी के मोड़ करके ला सकते हैं, उस पर किसान भी सुरक्षित रहेंगे।